गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी नामी फिल्में बनाने वाले फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बयान से विवाद खड़ा हो सकता है। अनुराग कश्यप ने पद्मावती फिल्म का नाम लिए बिना कहा कि क्या एक फिल्म हमें ख़त्म कर सकती है। फिल्मों में हम वही डालते हैं जो समाज में घटित हो रहे हैं, लेकिन इसे फिल्मों में देखने से समाज बचता है। अनुराग कश्यप शुक्रवार को JLF में खुद की फिल्मों और जिंदगी के बारे में बता रहे थे। गुलाल फिल्म पर चर्चा करते हुए कश्यप ने कहा, इसे बनाने में 7 साल लगे। कई राजपूत राजघरानों के सदस्यों से मुलाकात की तो पता चला कि राजपूत समाज के राजघराने इस बात से दुखी थे कि उनकी सरकार ने प्रीवियस छीन ली, सुविधाएं और अधिकार खत्म कर दिए, राजपाट ले लिया। इससे उनमें काफ़ी गुस्सा था। तब यह पता चला कि वे समय से काफ़ी पीछे चले गए हैं। वे तरक्की तो करना चाहते हैं लेकिन अपने आलस्य के कारण कुछ कर नहीं पाए। कश्यप ने कहा कि वे भी UP के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इमरजेंसी के दौरान पिता ने नाम के आगे से सिंह हटा दिया। कश्यप ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान राजपूत समाज के प्रति कुछ अलग सा सेंटीमेंट चल रहा था। सेंसर बोर्ड से फिल्मकारों का विवाद चलता रहता है, लेकिन आप पूरे तथ्यों व दस्तावेज से अपनी बात रख देते हैं तो आपत्तियों का समाधान भी हो जाता है। मेरी कुछ फिल्में गुलाल, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, सत्या आदि में सेंसर बोर्ड ने आपत्तियाँ लगाई थी, लेकिन मेरी समझाइश और दस्तावेज पेश करने से दूर भी हो गई। उन्होंने कहा कि मुंबई में वे हीरो बनने आए थे लेकिन गंदी फिल्मों में काम करना पड़ा। बाद में फिल्म निर्देशन और लेखन में मन रम गया और कई फिल्में उन्होंने की। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।